फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ खमन ढोकला बनाने की एक रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं खमन ढोकला बनाने के लिए। ढोकला बनाने के लिए एक कटोरी बेसन, हाफ कटोरी सूजी, ये है लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। अब हम तड़के के लिए यूज करेंगे सामान। ये ली है मैंने चीनी, ये करी लीफ और ये है हरी मिर्च। साथ ही में तड़के में डलेगी इसमें राई के दाने। आपके पास सरसों हो तो आप सरसों के दाने भी यूज कर सकते हैं और हींग। साथ ही इसमें उसको खट्टापन देने के लिए नींबू का रस और रिफाइंड ऑयल ड्राई मिक्स में डालने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई मिक्स कैसे बनता है। सबसे पहले एक छलनी में आप बेसन को ट्रांसफर करें, उसको छान लें ताकि इसमें गुठलियां ना हो। जो भी नीचे गुठलियां होंगी वो हमारी रह जाएगी और साथ ही में सूजी डालकर हम इसे अच्छी तरह छान लेंगे ताकि ये दोनों आपस में मिल जाए। आप एक बार घर में ट्राई करके जरूर देखें। ये घर में ढोकला बहुत ही अच्छा अच्छी तरह इसको छान लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी हल्का सा नमक। ये देखिए हमने अच्छी तरह बिल्कुल इसको छानना है, अच्छी तरह से हमने छान लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, करीब एक चम्मच डाल दिया है मैंने। हाफ चम्मच मैंने इसमें डाली है हल्दी और अब आप इसमें डालें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल के। अब इन सब चीजों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और हमें इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। पानी एकदम से ना डालें वरना ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके डालें तो ठीक रहेगा और हमें इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। ये देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट हो गया है हमारा और हमें इसे अब 15 मिनट के लिए रखना है ताकि हमारी सूजी और बेसन फूल जाए। अब हम एक स्टीमर लेंगे, उसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और उसको फुल फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा था, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया। अब इस स्टेज पे आके आप इसमें इनो फ्रूट स्टार्च डालें और एक तरफ से ही हमें इसे घुमाना है और ज़्यादा देर नहीं घुमाना। ये देखिए बैटर हमारा फूल गया है अच्छी तरह से। अब इसको ग्रीस लगे हुए ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए मैंने ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है तेल से। इसको अच्छी तरह से ग्रीस करें वरना हमारा ढोकला नीचे से और साइडों में से चिपक जाएगा और निकालने में मुश्किल होगी। आप इसको घर में एक बार ट्राई जरूर करें, ये बहुत ही बाजार जैसा टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। ये मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, टैप करें इसको हल्का सा ताकि हमारा ढोकले का पेस्ट अच्छी तरह फैल जाए। और ये मैंने बचा हुआ थोड़ा सा दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर दिया। अब हमारा अब इसके ऊपर मैं हल्की सी लाल मिर्च
छिड़क दूंगी ताकि खाने में और भी टेस्टी लगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। खाने में थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है ज़्यादा। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, बड़ी सावधानी के साथ आप इसके अंदर रखें और इसे ढक दें। लो टू मीडियम गैस का हमें फ्लेम रखना है और इसको तकरीबन, अब हमारा तड़का तैयार, ढोकला तैयार हो रहा है, इसमें हम तड़के की तैयारी करते हैं। ये मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है और उसके अंदर एक टेबल स्पून तेल डाला है, थोड़ी सी इसमें राई डालें, राई जब चटक जाए तो थोड़ा सा उसमें डालें हींग, ये अच्छी तरह दोनों तड़क जाएं, सिक जाएं। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी कड़ी लीव, ये कड़ी लीव डाल दी है मैंने, और हरी मिर्चें भी साथ में डाल दी। जब ये दोनों चीज़ भून जाए तो आप इसमें पानी डालें, मैंने एक गिलास पानी इसमें डाला है। पानी में एक उबाला आ जाए उसके बाद आप चीनी डाल दें, मैंने इसके अंदर 3 चम्मच चीनी की डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह, चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह मिलाना है। ये हमारा पानी बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसमें लास्ट स्टेज पर आके इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये हमारा ढोकले का पानी तैयार हो चुका है, ये हमारा ढोकला भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसके पीस काट लिए हैं और ये देखिए, ये जो मैंने तड़का बनाया था अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ और हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है और ये फ्लफी भी बनता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को देखिए कितना सॉफ्ट